नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया की सबसे फेमस डिश पंजाबी छोले, जो बहुत ही आसान तरीके से और नए तरीके से बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। छोले बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक कटोरी छोले, जिसको मैंने रात भर पानी में भिगोकर रखा था। आप चाहे तो 7 से 8 घंटा इसको भिगोकर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। और 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं, इसका भी हम लोग पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। हमें यहाँ पे लगेगा थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और तेल। मैंने यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, जिनकी मैं एक पोटली बना के छोलों के साथ कुकर में बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। छोलों को बॉईल करने के लिए हमें लगेगा थोड़ा सा पानी, ऊपर से डालने के लिए कसूरी मेथी और हमें यहाँ पे लगेगा छोले मसाला। तो आइए हम छोलों को अब कुकर में बॉईल करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा लिया है, इसके अंदर हम मसालों को डालेंगे। सबसे पहले जीरा 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, काली मिर्च, 3 इलायची, सबको इसके साथ मिक्स कर देंगे। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे ली है चाय की पत्ती, इसको डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे छोलों में बहुत ही स्वाद आता है। इसको अब हम लोग ऐसे टाइट बांध देंगे। और छोटी सी पोटली बना लेंगे, बहुत ही सुंदर लग रही है। इसको हम छोलों के साथ कुकर में बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। छोलों को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे कुकर चढ़ा के रखा है। कुकर गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, ताकि वही पानी हम लोग छोलों के लिए यूज़ कर सकें। इसी के साथ मैं डालूंगी छोलों को। मैंने यहाँ पे 1 ही कटोरी छोले लिए हैं, आप मेहमानों के हिसाब से छोलों को बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ हम ऐड करेंगे नमक, स्वाद के अनुसार आप नमक डालें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता और 1/2 दालचीनी का टुकड़ा। इसी के साथ हम लोग अब ये जो पोटली बनाई थी खड़े मसालों की, उसको भी इसमें डाल देंगे और 5 से 6 सीटी आने तक इसे होने देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 सीटी आने तक होने देंगे। छोले यहाँ पे पककर तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इसका कलर और इसका एरोमा बहुत ही सुंदर आ रहा है। इसके अंदर जो हमने पोटली डाली थी उसको अच्छे से स्क्वीज करके हम लोग निकाल देंगे। आइए अब हम इसको तड़का लगाएंगे। छोले के लिए अब हम तड़का बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कुकर गैस पे चढ़ाया है और वो अब गर्म भी हो चुका है। इसमें हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसी के साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है, इसमें डालेंगे हम प्याज को। प्याज की मैंने यहाँ पे पेस्ट बना ली है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है, उसको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। अब इसमें डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर कम डालें। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। याद रखें कि हमने छोलों में भी नमक डाला था, उसके हिसाब से हम लोग इसमें
नमक डालेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़े से छोले मीठे पसंद है तो मैं आधी टीस्पून इसमें शक्कर डालूंगी। मसाला यहाँ पे भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पके हुए छोलों को। अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैं डालूंगी छोले मसाला 1.5 स्पून, और मैंने यहाँ पे लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको हाथ से अच्छी तरह से मसल लें और इसके साथ में डाल दें। ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड कर देंगे। और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के 4 से 5 विजल आने तक होने देंगे। नॉर्थ इंडियन स्पेशल पंजाबी छोले बनकर यहाँ पे तैयार है। आप देख रहे हैं इसका कलर और अरोमा बहुत ही खुशबूदार आ रहा है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हमारे डिश सर्विंग के लिए तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट ऐसी छोलों की रेसिपी यहाँ पे बनकर तैयार है। आप इसे भटूरे के साथ, रोटी के साथ या पूरी के साथ खा सकते हैं। आप भी इसे जरूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऐसी ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ कविता की थाली में मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहे और खाते रहे। धन्यवाद।